आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन, प्रतिकोण प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो आप क्लास टेंथ में पढ़े हैं, सीधा सीधा पढ़े हैं साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट, यहाँ इस चैप्टर में हम एक एक्स्ट्रा चीज़ भी पढ़ेंगे, जैसे साइन के जगह पर साइन इनवर्स, कॉस के जगह पर आएगा टर्म इस तरह से टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, और इस रूप में भी हम पढ़ेंगे। तो पहले वाली बात तो रहेंगी ही, एक नई बात आ जाएगी इनवर्स, हो गया। इसमें एक दो बात पहले आप ध्यान दें। पहला, एक संवृत्त अंतराल, संवृत्त अंतराल को बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, क्या बोलते हैं, और एक होता है विवृत्त अंतराल, क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओपन इंटरवल, क्या कहते हैं। तो एक हो गया क्लोज्ड इंटरवल और एक हुआ ओपन इंटरवल। क्या है क्लोज्ड इंटरवल, क्या है ओपन इंटरवल, समझिए। जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा पहला ही चैप्टर में, तो संवृत्त अंतराल का मतलब जैसे कि 5 से 10 के बीच का एक ऐसा अंतराल जिसको बड़ी कोष्ठ से लिखा जाए। इसका मतलब हुआ कि 5 से 10 के बीच अगर कोई वास्तविक संख्या आर के लिए हम ले रहे हैं, तो 5 से 10 के बीच की जितनी संख्या है वो साथ ही साथ 5 भी और 10 भी, तो इसको बोलते हैं क्या, क्लोज्ड इंटरवल, संवृत्त अंतराल है। और एक होता है, इसी को यदि हम 5 से 10 छोटी कोष्ठ में लिख दें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से 10 के बीच की संख्या लेकिन 5 और 10 नहीं। जैसे 5.1 हो सकता है, 9.9 हो सकता है, क्योंकि यह दोनों इन दोनों के बीच है, लेकिन इसमें 5 नहीं होगा, 10 नहीं, आ इसमें इन दोनों के बीच का तो होगा ही, 5-10 भी होगा। तो यही हो गया संवृत्त अंतराल और ये विवृत्त अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, हो गया। इस बात को आपने समझा। अब जब इसको समझा आपने तो नोट में लिख लो, अब ज़्यादा तो लिखाते नहीं हैं, नोट मुख्य संवृत्त अंतराल और विवृत्त अंतराल को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि जैसे x कोई वास्तविक संख्या हो तो संवृत्त अंतराल के रूप में लिखना हो तो क्या लिखते हैं, इस तरह से x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 एंड इक्वल टू और लेस देन 10। विवृत्त अंतराल को याद कीजिए क्या लिखते हैं, इस तरह से, इसमें बराबर का साइन नहीं होता है, x का मान 5 से बड़ा और 10 से इसमें बराबर। फर्स्ट ईयर के पहले ही यूनिट में, पहला ही चैप्टर में इस तरह का कई क्वेश्चन आपको दिया हुआ था जो मैंने आपको बनवाया था। तो संवृत्त अंतराल विवृत्त अंतराल बुझा गया। अब आगे रिपीट मैं कर दिया, नया चीज़ नहीं है, पुराना चीज़ को मैंने रिवीजन किया। अब हम देखते हैं मुख्य मान के बारे में,
जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो इस मुख्य मान के बारे में हम देखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में। तो समझिए मुख्य मान क्या है। तो किसी त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है उसका कहलाता है मुख्य मान। लिखिए सभी आदमी। यहाँ सभी त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय टर्म का मुख्य शाखा दिया हुआ है, उसका परिसर दिया हुआ है। जैसे साइन इनवर्स का क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। कॉस इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स का, और जीरो को छोड़कर। इसका मतलब क्या हुआ सो समझ लीजिए। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, लेकिन जीरो को छोड़। इसका मतलब कि माइनस पाई बाई टू मतलब 90, माइनस कितना 89, माइनस 88 बढ़ते जाएगा कहाँ, कभी ना कभी तो जीरो आएगा। फिर क्या होगा, एक दो तीन बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, 90 तक। तो माइनस 90 से 90 के बीच में जीरो भी तो आ गया, लेकिन इसका कहने का मतलब हुआ कि जीरो को छोड़। सब है लेकिन जीरो नहीं है। ठीक इसी तरह से इसका भी मतलब वही हुआ। सेक इनवर्स का जो मुख्य शाखा का परिसर है, जीरो से पाई लेकिन पाई बाई टू को छोड़कर। जीरो से पाई मतलब क्या, जीरो एक दो से लेकर कहाँ तक, 180, तो बीच में ना कहीं 90 होगा। तो 90 मतलब पाई बाई टू, इसको छोड़कर सब होगा। तो इस तरह से ये मुख्य शाखा का परिसर प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का आपको याद रखना है, जिसकी सहायता से अगला लेसन बनेगा, प्रश्नावली 2.1 हो गया।